हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो होप अच्छे ही होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है, ये है विजिट टू प्रतापगढ़ पुणे से। प्रतापगढ़ जो है वो पुणे से अराउंड 130-140 किलोमीटर्स है और महाबलेश्वर से 20 किलोमीटर्स है। प्रतापगढ़ फोर्ट जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया है और ये अराउंड 1650 में बन के तैयार हो गया है। ये काफ़ी सीनिक व्यू अच्छा है, तो चलिए चलते हैं और बाकी के डिटेल्स वहीं पे मैं आपको बताता हूँ। अभी जाते टाइम घाट का रोड कवर करते हुए जाएंगे, मस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स है तो वो भी कवर करते हुए जाएंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, सो आई हैव टू कम बैक बाय 12 और 1, तो तब तक मैं वापस भी आ जाऊँगा। तो मैं पहुंच गया हूं प्रतापगढ़ फोर्ट के पार्किंग में और यहाँ काफ़ी बसेस आए हुए, मतलब बस में स्कूल बच्चे ही हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्कूल्स के बच्चों को ना यहाँ पे लाया जाता है हिस्ट्री के बारे में जानकारी देने के लिए। तो अच्छा एक ये इनिशिएशन है स्कूल्स का। तो चलिए चलते हैं ऊपर। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये फ्लैग, मुझे किसी ने कल बताया था कि पार्किंग के बाद शायद 500 या 600 सीढ़ी है जो कि चढ़ के जाना है। नो प्रॉब्लम। जब मैं तरातरणी गया था उड़ीसा में तो वो तो 1000 सीढ़ी था। तो आपने अगर तो यहाँ पे आने के बाद अगर आपको गाइड चाहिए तो गाइड का भी फैसिलिटी है। तो 600 रुपीज़ में आपको गाइड भी मिल जाएगा जो कि आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे और हिस्ट्री के बारे में कुछ और जानकारी देंगे। तो शुरू हो गया सीढ़ी, तो चढ़ते हुए जाएंगे। अभी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखा हुआ है कि डूज एंड डोंट्स, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या नहीं करना है। ड्रिंक्स अलाउड नहीं है। हाँ, मोबाइल और कैमरे का दुरुपयोग ना करें। ओके। एज पे खड़े रह के फोटो मत निकालिए ऑब्वियसली। बंदरों को खाना कुछ ना दें। हम पहले वहां पे जाके आएंगे, देन यहां जाएंगे। सच में यार, बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, तो उनके स्कूल की तरफ से वो लोग आए हैं। देखिए भीड़ देखिए।
तो ये जो फोर्ट है ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया है ड्यूरिंग 1660-1650 में, और इसका सिग्निफिकेंस ऐसा है कि यहीं पे बैटल ऑफ प्रतापगढ़, वो मतलब जो प्रतापगढ़ का युद्ध है वो यहीं पे लड़ा गया था। तो ये जो युद्ध है ये लड़ा गया था शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच में। तो प्रतापगढ़ अभी महाराष्ट्र का टूरिस्ट अट्रैक्शन में है, मतलब काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, क्योंकि जितने लोग महाबलेश्वर आते हैं अगर वो वन डे के लिए आते हैं तो कोई यहाँ नहीं आ पाते हैं, बट जितने लोग टू डेज़ के लिए या तो थ्री डेज़ के लिए महाबलेश्वर आते हैं तो वो लोग प्रतापगढ़ एक दिन या तो हाफ डे का प्लान करते ही हैं। तो क्योंकि प्रतापगढ़ का जो डिस्टेंस है वो महाबलेश्वर से 24-25 किलोमीटर्स है, तो कंप्लीट घाट रोड है। तो मैं आपको अभी यहाँ टॉप से एक व्यू दिखाता हूँ, काफ़ी अट्रैक्टिव है, और मैं ना कैमरा में जूम करके कुछ फ़ोटो भी लेता हूँ। प्रॉपर मुझे एक जगह मिल गया जहाँ पे मैं रिलैक्स करके ये सब फ़ोटो वीडियो ये आपसे बातचीत ये सब कर सकता हूँ, क्योंकि बच्चे इतने आए हुए हैं, इतने चिल्लम चिल्ली हो रही है यहाँ पे, तो मुझे प्रॉपर जगह नहीं मिल रहा था। तो फाइनली मैंने एक जगह फाइंड आउट कर लिया कि जो मुझे थोड़ा शांति से ये सब करने को दे सके। एक पायरी नामदेवाची पंढरपूरमध्ये आणि पायरी जेजुरीला आहे, तुम्ही आता जाणार आहात, ती झाल्या 3.5 पायऱ्या, आणि अर्धी पायरी रायगडला सेवेशी आई तत्पर्य हिरोची बाळानो आई बाबांची सेवा करा, देशाची सेवा करा, पाचवी पायरी तिथे जा। तो यहाँ पे ऊपर आपको स्नैक्स लंच ये सब भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक भवानी मंदिर है जो कि महाराज के टाइम से ही है, तो चलिए मंदिर में चलते हैं और दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ ऊपर मतलब काफ़ी ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज का एक सिल्वर स्टैचू बनवाया गया है। ऊपर अच्छा गार्डनिंग भी किया हुआ है। तो यहाँ मैंने जूते उतार दिया, अभी चलते हैं मूर्ति के पास। तो ये जो स्मारक है ये 1959 में यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, तो ये किया गया है बाय श्री जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में ये काफ़ी प्रॉपरली मेंटेन किया गया है, यहाँ पे सब कुछ काफ़ी साफ़ सुथरा देखने को मिलेगा और काफ़ी प्रॉपरली क्लीन मेंटेन किया गया है, और टाइम टू टाइम ये मूर्ति का मेंटेनेंस भी किया जाता है।
अगर आप महाराष्ट्र में हो तो आपको इससे बेस्ट ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। तो प्रतापगढ़ के वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं कोई और एक एक्साइटिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल, और ये वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। चलिए मैं वड़ा पाव टेस्ट कर लेता हूँ।